ताजा करिए और पुरानी बॉलीवुड यादें, हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम लहरे रेट्रो। विनोद खन्ना को हिंदी सिनेमा के सबसे हैंडसम एक्टरों में से एक माना जाता है। 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से बतौर विलेन अपने करियर का आगाज करने वाले विनोद खन्ना ने अपनी शुरुआती फिल्मों में बतौर विलेन ही नाम कमाया था। इनमें मेरा गांव मेरा देश, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा और आन मिलो सजना जैसी फिल्मों के नाम शामिल थे। एक समय तो ऐसा भी आया था कि 80 के दशक में विनोद खन्ना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी बनकर उभरे थे। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्मों को लोगों ने खूब पसंद किया था और लोगों को लगने लगा था कि विनोद खन्ना अब अमिताभ बच्चन के स्टारडम को पीछे छोड़ खुद सुपरस्टार बन जाएंगे। लेकिन तभी विनोद खन्ना का झुकाव आध्यात्म की ओर हो गया और उन्होंने फिल्मी दुनिया कई सालों के लिए छोड़ दी। आध्यात्म से जब विनोद खन्ना वापस फिल्म इंडस्ट्री में आए तो वापसी तो शानदार रही, लेकिन नए जमाने के कलाकारों के आगे विनोद खन्ना को लीड रोल मिलना कम हो गया और इसके बाद धीरे धीरे विनोद खन्ना फिर से गायब होने लगे। पर पिछले दो दशकों से विनोद खन्ना ने बतौर चरित्र अभिनेता दमदार वापसी की थी। सांसद होने के साथ ही साथ विनोद खन्ना फिल्मों में चरित्र किरदारों को एक नया आयाम दे रहे थे, लेकिन फिर से कुछ सालों से विनोद खन्ना गायब हो गए। लेकिन अगर बीते कुछ सालों की बात करें तो विनोद खन्ना एकाएक फिर से स्क्रीन से गायब हो गए। 3 अप्रैल 2017 को खबर आई कि विनोद खन्ना को मुंबई के गिरगांव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर थी कि उन्हें ब्लैडर कैंसर हुआ है, पर उनके परिवार की ओर से जारी बयान के मुताबिक उन्हें डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की खबर यह है कि विनोद खन्ना की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है और जल्द ही उन्हें छुट्टी मिल सकती है। पर जब ये तस्वीर हम देखते हैं तो आप और हम ये भरोसा ही नहीं कर पाते कि ये वही विनोद खन्ना है जिन्हें हम और आप सालों से जानते हैं। बीमारी ने विनोद खन्ना के लुक को इतना बदल दिया है कि भरोसा ही नहीं होता। खैर, हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि विनोद खन्ना साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।